एक अक्टूबर को महाराजपुर बस स्टैंड पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने संविधान बचाओ सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बस स्टैंड महाराजपुर में आम सभा की। आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को आने का मंच से शहर में प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देशद्रोही को देशभक्त बताया जा रहा है। इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया। कहा गया है क्या कार्यक्रम था और किस उद्देश्य को लेकर आए थे? देखिए उद्देश्य तो देश में एक ही है, देश को जिस व्यवस्था की ओर धकेला जा रहा है उस व्यवस्था ऐसे लोगों को रोकना। भीम आर्मी अधिकतर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, ये हमारे साथियों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम ऊपर सभा उसी में सम्मिलित होने आया है। बहुजन समाज पार्टी आपको भाजपा की बी टीम बता रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए साहब, मुझे लगता है कि कहने जुबान चलाने से अच्छा काम करना ज़्यादा बेहतर है। जो इस बात को कह रहा है ठीक है, वो इस बात को अगर खुश रहें। हमारा कार्यकर्ता अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक सड़क पर लड़ रहा है। आप आम पब्लिक से जाकर हमारे बीच में पूछिए हम कौन है, किसकी बी टीम है। देखिए बी टीम तो हम हैं, किसान की, मजदूर की, गरीब की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की बी टीम है। जब उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते, उन पर अत्याचार होता है, जब राजनीतिक परिसर पड़ता है, तो फिर हम उनकी बी टीम के रूप में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने सीटों से आप चुनाव लड़ेंगे? भाई देखिए, ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये हमारी कोर कमेटी प्रदेश कमेटी तय करती है, लेकिन प्रदेश कमेटी हमारी ये कह रही है हम उन सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में।